स्त्री संतुष्टि कैसी करना चाहिए उसके बारे में सब कुछ मैं अभी बताने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त धन्य हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। स्त्री संतुष्टि के बारे में काफ़ी गलत फहमियाँ होती रहती है, काफ़ी मिथ्स है, वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। स्त्री संतुष्टि होना हर सेक्स एक्टिविटी में बहुत ज़रूरी है और उसकी पूरी जिम्मेदारी पुरुष पार्टनर के ऊपर है। यदि स्त्री संतुष्ट होती नहीं है, यदि उसको ऑर्गेजम होता नहीं है, तो डेफिनेटली अगले बार वो ना बोलेंगी, अगले बार वो इंटरेस्ट नहीं लेगी, वो चिड़चिड़ापन करेगी, वो कुछ ना कुछ बहाने बनाएगी और वो सेक्स में इंटरेस्ट लेगी नहीं। इसलिए हर सेक्स एक्टिविटी में स्त्री संतुष्टि होना बहुत ही जरूरी है, उसको ऑर्गेजम होना बहुत ज़रूरी है। और ऑर्गेजम का मतलब होता है कि सुख के अंतिम सीमा पर पहुँच जाना, अंतिम चरम सुख, बहुत ज़्यादा, मतलब वो वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुभव भी किया जा सकता है। तो अभी वो चरम सुख जो है, अंतिम चरम सुख जो है, वो क्यों नहीं मिलता या कब मिलता है, कैसे मिलता है, उसके बारे में बताऊँगा। क्या होता है कि कभी कभी स्त्री फेक कर सकती है, झूठा भी बता सकती है कि हाँ उसको मिल गया, चरण सुख मिल गया, ऑर्गेजम हो गया। वो कब हो सकता है कि जब वो इच्छुक नहीं है, उसका झगड़ा झंझट हुआ है, उसको कैसा भी करके निपटाना है, उसका तो पैसे का व्यवहार है, मतलब प्रोस्टिट्यूट है, उसका तो बस करो चले जाओ जल्दी, उसको हुआ नहीं हुआ कोई उसको लेन देना है कि भाई चलो ख़त्म करो एक बार का, एक तो पैसा लो या झंझट खटाओ, तो एक वो हो सकता है। यदि पति पत्नी का रिश्ता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, तो डेफिनेटली स्त्री को ऑर्गेजम होना जरूरी है और स्त्री को ऑर्गेजम हो सकता है। कभी उसको डायबिटीज़ है, मतलब शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, योनि में कोई इन्फेक्शन है, सूजन आई हुई है, या कोई जख्म हुई है, ट्रामा बैठा हुआ है, या कोई रिलेशनशिप के, रिश्तों के कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसमें वो प्रॉब्लम आ सकता है और उसको ऑर्गेजम नहीं होगा। यदि कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं तो ऑर्गेजम हो सकता है। अब स्त्री को ऑर्गेजम कैसे देवे? स्त्री को ऑर्गेजम देने का, संतुष्टि करने का बहुत आसान और बहुत ही नंबर एक का तरीका जो है वो है कि क्लाइटोरिस को स्टिम्युलेट करना। क्लाइटोरिस जो रहता है, यूनिलिंग को चेतावनी देना, उसको उंगली से फिंगरिंग करना, मसाज करना। यदि वो करते हैं तो डेफिनेटली उसको बहुत अच्छा ऑर्गेजम आ जाएगा, बहुत अच्छा उसको एक्साइटमेंट आ जाएगा, पूरा वजाना गीला हो जाएगा और एक्चुअली जब सेक्स करते हैं तो आसानी से सेक्स हो जाएगा और उसको भी संतुष्टि आ जाएगी। तो क्लाइटोरल स्टिमुलेशन में उसको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, सबसे ज़्यादा आनंद उसको मिलता है। फिर आ गया वजाइनल सेक्स, मतलब लिंग का योनि में प्रवेश। क्या उससे आनंद नहीं आता क्या? बिल्कुल आता है, वजाइनल सेक्स में भी आनंद आता है, मगर क्लाइटोरल स्टिमुलेशन से कम आता है। वजाइना का मतलब योनि का बाहरी तीसरा हिस्सा जो है वो सेंसिटिव रहता है, एक तिहाई हिस्सा, मतलब 1.5-2 इंच यदि लिंग है, लिंग की लंबाई है, तो उसको वजाइनल स्टिमुलेशन से, वजाइना में लिंग का प्रवेश होने से जो स्ट्रोक मारे जाते हैं उससे उसको आनंद मिलता है। इनडायरेक्टली योनि लिंग भी उसमें स्टिम्युलेट होता है, क्लाइटोरल भी स्टिम्युलेट होता है और उसको उसमें दोनों स्टिमुलेशन में, मतलब वजाइना और क्लाइटोरल स्टिमुलेशन में उसको आनंद आता है। तो वजाइनल स्टिमुलेशन भी उसको आनंद दे सकता है। फिर आता है कि और कुछ आनंद दे सकता है क्या, और कुछ बातें हो सकती है क्या? तो यस, ऑर्गेजम या संतुष्टि आ सकती है निपल स्टिमुलेशन, ब्रेस्ट का मसाज, निपल का बाइटिंग करना, या स्वीट बाइट्स देना, या लव बाइट्स देना, या बटक्स के ऊपर से हाथ घुमाना, या नीचे के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर हाथ घुमाना, वो भी उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दे सकता है। अभी सवाल ये आता है कि एक ही सेक्स में मल्टीपल ऑर्गेजम पॉसिबल है क्या, मतलब बार बार उसको एक्साइटमेंट आ सकता है क्या? तो यस, आ सकता है। हाँ, पुरुष को पॉसिबल नहीं, पुरुष को एक बार इरेक्शन आ गया, डिस्चार्ज हो गया, दोबारा इरेक्शन आने के लिए उसको टाइम लगेगा। उम्र के हिसाब से उम्र एकदम कम है, जवानी है, तो हो सकता है कि आधे घंटे में, एक घंटे में वो सेकंड बार कर सकेगा। मगर स्त्री को एक ही सेक्स एक्टिविटी में 3 या 4 बार 5 बार जितने भी बार वो करता है, तो बार बार उसको ऑर्गेजम, मतलब स्त्री संतुष्टि उसको मिल सकती है, मल्टीपल ऑर्गेजम्स पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट ये जो है कि भाई क्या लिंग का साइज मैटर करता है क्या? तो डेफिनेटली उसका जवाब है हाँ और ना। लिंग का साइज मैटर करता है, यदि वो 3 इंच से कम है तो प्रॉब्लम है। इरेक्शन होने के बाद में यदि 3 इंच का साइज है, 3 इंच की लंबाई है इरेक्शन के बाद में, तो डेफिनेटली स्त्री को अच्छा लगेगा, सुख आएगा, संतुष्टि मिलेगी। 3 इंच से कम इरेक्शन है और डेफिनेटली 1.5 इंच से कम है, तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, फिर उसको मजा आएंगी नहीं। अदरवाइज ऐसा जो है वो गलतफहमी है कि भाई बहुत ज़्यादा लंबा लिंग रहे तो उसको बहुत आनंद आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम जो बाहरी तीसरा हिस्सा रहता है वजाइनल का,
वो रहता है 1.5 या 2 इंच, तो कम से कम 1.5-2 इंच तो भी लिंग की लंबाई होना जरूरी है, तो उससे उसको मज़ा आता है। अदरवाइज लिंग की लंबाई कोई मैटर करती नहीं है। स्त्री का जो ऑर्गेजम है, स्त्री का जो अंतिम चरण पे चरम सुख मिलना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या दोनों को एक साथ चरम सुख मिलना जरूरी है? क्या दोनों को मिला तो बहुत ही अच्छा है, मगर दोनों को स्त्री पुरुष को एक साथ नहीं मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले पुरुष का हो जाएगा बाद में स्त्री का होगा। यदि पहले पुरुष का होता है तो उसने स्त्री का करके देना ही जिम्मेदारी पुरुष की है। पुरुष का हो गया तो क्या हो जाएगा, उसका इरेक्शन निकल जाएगा और फिर बाद में हाथ से मसाज करके स्त्री संतुष्टि करना है जवाबदारी पुरुष की है। यदि स्त्री का पहले हो गया तो फिर सवाल ही नहीं आता है। तो ये बातें हैं, स्त्री का ऑर्गेजम, चरम सीमा पे पहुंच जाना, स्त्री संतुष्टि करना और उससे अपना जीवन सेक्स लाइफ अच्छा कर लेना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।